अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? क्लासेस कैसी जा रही हैं आप लोगों की? जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए थे या जो प्रोग्राम दिए थे, वो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली है? जो भी प्रोग्राम मैं आपको दे रहा हूं, कोशिश करें कि उसकी साथ के साथ जो है वो प्रैक्टिस आप करते रहें, ताकि आपको जब फाइनल टास्क दिया जाएगा उसमें ये तमाम प्रोग्राम जो है वो मोस्टली प्रोग्राम जो है वो उसमें इस्तेमाल होने हैं। तो अभी से उनकी प्रैक्टिस जो है वो साथ के साथ आप लोग रखें। तो पाइथन का आपने वो जो सॉफ्टवेयर बताया था जिसपे वो चलाना था, वो क्या था सर? पाइथन का है 3.2। आप गूगल पे लिखेंगे पाइथन डाउनलोड फ्री, तो वो आपको उसकी साइट जो है वो मिल जाएगी, और उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट का सी कोड होगा, वो भी आपने डाउनलोड कर लेना है, या कोई भी और पाइथन के लिए एडिटर इस्तेमाल कर लेना है, और उसमें आप लोगों ने डायरेक्ट जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मेन जो है वो आप लोग अपनी तीन लैंग्वेज को अपना जो है वो मोटो बना लो। नंबर वन सी एंड सी प्लस प्लस आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। नंबर टू आपको जावा प्रोग्रामिंग जो है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और नंबर थर्ड जो है वो पाइथन जो है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब आप इसको होल्ड कर लो कि पाइथन जो है वो इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 में, बल्कि टॉप 5 में भी जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे जा रही है। तो कोशिश करें कि आप जो अच्छी लैंग्वेज है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको जो है वो सीखें, ताकि आपको जब आप पढ़ के निकलो तो आपको किसी किस्म में मार्केट में जॉब लेने का कोई प्रॉब्लम जो है वो इशू ना हो। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि काफी सारे एडिटर्स हैं उसके पाइथन के, तो आप कोई सा भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड। जी, आप किसी भी जो है वो लैंग्वेज से कोड कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी लैंग्वेज आप करना चाह रहे हो वो लैंग्वेज आपको अच्छे तरीके से आए, असल चीज ये है। यानी अगर जावा का कोड करना चाह रहे हो तो आपको जावा का प्रॉपर तरीके से कोड आता हो। अगर आप जो है इसका कोड करना चाह रहे हो सी एंड सी प्लस प्लस का, तो आपको प्रॉपर तरीके से सी एंड सी प्लस प्लस का कोड आता हो। अगर आप पाइथन में करना चाह रहे हो तो आपको प्रॉपर पाइथन का कोड जो है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। असल चीज है कि आप लर्न करो, जितना ज्यादा आप मल्टीपल लैंग्वेज को सीखोगे मार्केट में, उस लिहाज से फिर आपको जो जॉब है आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं उनकी मोस्टली की अटेंडेंस जो है मैंने लगा दी है। मैं एक दफा अटेंडेंस शेयर करके आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखें कि जितने स्टूडेंट्स भी इस वक्त ऑनलाइन है, मोस्टली स्टूडेंट्स की जो है अटेंडेंस, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है लग गई है। जो स्टूडेंट्स दरमियान में फिर ऑनलाइन होंगे उनके साथ के साथ जो है अटेंडेंस हम लोग जो है मैं लगा दूंगा। तो लेक्चर को अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। आज का जो टॉपिक है, बल्कि पिछले तीन चार लेक्चर से जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो थ्रेड के ऊपर चल रहा था, कि जो आपके थ्रेड्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, या आपकी जो थ्रेड की प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली क्या है। आज हम लोग थ्रेड के उसके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ में प्रोसेसिंग की जो स्केड्यूलिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो थ्रेड के जो इश्यूज हैं उसको पहले हम देख रहे हैं। द फ्रोक, ये एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, सी एंड सी प्लस प्लस में भी इस्तेमाल हो रहा है, जावा में भी इस्तेमाल हो रहा है, एंड एक्स, और यही फंक्शन आपका पाइथन में, पर में, यानी कि ये बिल्ट इन फंक्शन है, एट इट इस जगह पे ये इस्तेमाल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एलोक है, मैलोक है, यानी मेमोरी को एलोकेट करना है, मेमोरी को डी एलोकेट करना है। इसी तरह आपका कीप का एक फंक्शन है, वो आपकी मेमोरी को जो है वो एक किस्म का खा जाता है, मेमोरी को जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसी तरह से आपका ये फ्रोक फंक्शन है, एग्जीक्यूट का फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शंस इस तरह आते रहेंगे जो कि थ्रेड्स में। अब इन दोनों के फंक्शंस को पहले देखते हैं कि ये थ्रेड में किस लिहाज से इश्यूज जो है वो जनरेट करते हैं। इफ वन थ्रेड फ्रोक्स इज द इंटायर प्रोसेस कॉपीड और इज द न्यू प्रोसेस सिंगल थ्रेडेड। यहाँ पे क्वेश्चन उसने राइज किया है कि अगर एक थ्रेड जो है वो फ्रोक्स के फंक्शन पे चल रही है या फ्रोक्स हो जाता है, तो पूरा प्रोसेसर या कॉपी होता है, या वो नए सिरे से किसी सिंगल
थ्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो तीन चार इसके मुख्तलिफ आंसर हैं। पहला है जी सिस्टम डेफिनेट, कि सिस्टम को करना यही चाहिए, क्या कि वो उसकी कॉपी बनाए और अलहदा से उसको एक न्यू प्रोसेस के ऊपर, एक न्यू सिंगल थ्रेड के ऊपर जो है उसको एग्जीक्यूट करे। अब दूसरा आंसर इसका क्या है जी, इफ द न्यू प्रोसेस राइट अवे देयर इज नो नीड टू कॉपी ऑल द अदर थ्रेड्स, तो उसको जरूरत नहीं है कि वो सारे के सारे थ्रेड्स को जो है वो कॉपी करे। इफ इट डजंट देन द इंटायर प्रोसेस कैजुअल बी कॉपी, अगर तो वो नहीं कर सकता तो पूरे का पूरा प्रोसेस जो है, इंटायर का इंटायर प्रोसेस जो है वो सारे का सारा कॉपी कर लिया जाए। यानी चाहे एग्जीक्यूट का फंक्शन है, चाहे फ्रो का फंक्शन है, वो कोई भी थ्रेड जनरेट करते हैं, तो आंसर यही है कि एक तो सिस्टम खुद कर ले, अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसको ये करना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से इस थ्रेड की पहले कॉपी बनाए, कॉपी बनाने के बाद फिर उसको अलहदा से एक न्यू जो प्रोसेस है, एक न्यू थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करे और उसके अंदर इसको चला सके। मैनी वेरियस ऑफ यूनिक्स प्रोवाइड मल्टीपल वर्जन ऑफ द फ्रो कॉल फॉर दिस पर्पज। वो कहता है कि यूनिक्स की अगर प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं, या यूनिक्स जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है कि आप फ्रो के फंक्शंस को जिस मर्जी लिहाज से, मल्टी वर्जन है, मल्टीपर्पज के लिए फ्रो का फंक्शन जो है वो उसमें आप बआसानी जो है वो कॉल कर सकते हैं। जी आपकी सिंगल थ्रेड, कि जो आपका सिंगल थ्रेड है वो किस तरीके से जो है वो प्रॉप वर्क कर रहा है, या सिंगल थ्रेड कैसे जो है वो काम करेगा, अब हम उस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंगल हैंडलिंग, व्हेन अ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस रिसीव अ सिग्नल, जैसे ही मल्टी थ्रेड प्रोसेस को सिग्नल को जनरेट करता है या रिसीव करता है, टू व्हाट थ्रेड शुड दैट सिग्नल बी डिलीवर्ड, तो कौन सा सिग्नल है जो पहले डिलीवर होगा और वो सिग्नल को कैच करेगा। तो देखते हैं जिसके आंसर में, देयर आर फोर मेजर ऑपरेशन, चार डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो होंगे, डिलीवर द सिग्नल टू द थ्रेड टू विच द सिग्नल अप्लाइज, डिलीवर द सिग्नल टू एवरी थ्रेड इन द प्रोसेस, डिलीवर द सिग्नल टू सर्टन थ्रेड इन द प्रोसेस, असाइन अ स्पेसिफिक थ्रेड टू रिसीव ऑल सिग्नल्स इन अ प्रोसेस। वो कहता है कि ये चार डिफरेंट प्रोसेस है जिनके बिहाफ पे वो सिग्नल्स के ऊपर थ्रेड जो है वो काम करेगा। एक, जैसे ही सिग्नल उसको डिलीवर होता है, थ्रेड को चाहिए कि वो अपने सिग्नल्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दे, यानी उसको फौरन प्रोसेस करना शुरू कर दे। दूसरा, हर सिग्नल के ऊपर वो अपना प्रोसेस बार बार करे। थर्ड, जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं, थ्रेड जो है उनको प्रॉपर तरीके से एक सर्टन टाइम तक जो है उनके ऊपर काम करे। द बेस्ट चॉइस मे डिपेंड ऑन विच स्पेसिफिक सिग्नल इज इन्वॉल्व। वो कहता है कि बेस्ट चॉइस ये है कि कौन सा सिग्नल ज्यादातर इन्वॉल्व हो रहा है आपके इस थ्रेड के अंदर। अब इसके लिए यूनिक्स जो है वो काम करेगी। यूनिक्स अलाउ इंडिविजुअल थ्रेड्स टू इंडिकेट विच सिग्नल दे आर एक्सेप्टिंग एंड विच दे आर गोइंग इग्नोरिंग। वो कहता है कि यूनिक्स जो है वो सिर्फ इसी चीज को इंडिकेट करेगी कि किस सिग्नल को हमने एक्सेप्ट करना है और किस सिग्नल को इग्नोर करना है। हाउएवर द सिग्नल कैन ओनली बी डिलीवर to one thread which is generally the first thread that is accepting the particular signal. वो कहता है कि वो जैसे ही एक सिग्नल को जनरेट करेगा, जनरली उसी टाइम दूसरे सिग्नल जो है वो पर्टिकुलरली चेक हो रहे होते हैं, उनको वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, देख रहा होता है। यूनिक्स प्रोवाइड टू सेपरेट सिस्टम कॉल। इसके लिए यूनिक्स दो डिफरेंट सेपरेट जो है वो सिस्टम्स कॉल होते हैं। ये भी हमारे फंक्शन है। एक किल है जिसमें आपका जो प्रोसेस का आईडी होगा और साथ में सिग्नल होगा, और दूसरा पी थ्रेड है उसको किल करना है, उसका आईडी होगा और साथ में सिग्नल होगा। यानी दो फंक्शंस वहां पे काम कर रहे होंगे, दो प्रोसेस आपके काम कर रहे होंगे, किल और पी थ्रेड किल। फॉर डिलीवरिंग सिग्नल टू प्रोसेसेस और स्पेसिफिक थ्रेड रिप्रेजेंटेटिवली, और इससे क्या होगा कि वो ये दोनों फंक्शन जो है वो आपके सिग्नल को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करेंगे और साथ के साथ ही स्पेसिफिक थ्रेड को रिप्रेजेंट भी करेंगे। विंडो डज नॉट सपोर्ट सिग्नल, विंडो जो है वो इन सिग्नल्स को सपोर्ट नहीं करती, बट दे कैन बी इल्यूमिनेट यूजिंग एनॉर्मस प्रोसीजर कॉल एपीसी। एपीसी आर डिलीवर टू अ स्पेसिफिक थ्रेड नॉट द प्रोसेस। ये एपीआई की हम लोगों ने लास्ट में भी बात की थी, एपीसी की भी और एपीआई की भी, कि एनॉनमस प्रोसेस ये कॉल करती है विंडो, लेकिन किसी सिग्नल्स को जो है वो ये क्रिएट नहीं करती, ना ही एक्सेप्ट करती है। वो यूनिक्स का काम है। विंडो का काम क्या है कि वो एनॉनमस जो प्रोसीजर्स है उनको, उनकी कॉल को जो है वो ले और उसी के ऊपर स्पेसिफिक थ्रेड्स करे और साथ ही उसके ऊपर जो है वो काम करे।
नेक्स्ट है जी हमारा थ्रेड्स की कैंसिलेशन, के थ्रेड्स कैंसिलेशन है तो कैसे होंगे। थ्रेड्स डेट आर नो लॉन्गर नीड मे बी कैंसल्ड बाय एन अदर थ्रेड इन वन ऑफ टू वेज। वो कहता है कि थ्रेड्स जो है वो इतने बड़े नहीं है, इतने हाई लेवल के नहीं है कि आप उनको एक एक करके जो है वो कैंसिल करो। डिपेंड कर रहा होता है कि आप उनको कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के तरीके दो तरह के हैं, एक अनोनमस कैंसिलेशन है और दूसरा डिफर्ड कैंसिलेशन है। अनोनमस कैंसिल्स द थ्रेड इमीडिएटली, इसमें क्या होगा कि थ्रेड ऑन द स्पॉट ही आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और डिफर्ड सेंस में क्या है, सेट अ फ्लैग इंडिकेटिंग द थ्रेड शुड कैंसिल इटसेल्फ व्हेन इट इज कन्वीनियंट। जैसे ही उसको कन्वीनियंट लगेगा वो यानी उसके फ्लैग्स उसको इंडिकेट करेंगे उस वक्त वो जो है उसको कैंसिल करेगा। इट इज देन अप टू द कैंसल्ड थ्रेड टू चेक दिस फ्लैग पीरियडिकली एंड एग्जिट नाइसली व्हेन इट सीज द फ्लैग सेट। वो क्या कहता है कि जितने भी कैंसल्स फ्लैग्स हैं उनको चेक किया जाएगा पीरियडिकली और उनमें जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही होती है वो तमाम के तमाम जो है फ्लैग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से वापस जो है वो उसे क्लियर करके डिस्प्ले कर रहा होता है। शेयर्ड रिसोर्सेज एलोकेशन एंड इंटर थ्रेड डेटा ट्रांसफर कैन बी प्रॉब्लमेटिक विद एनोनिमस कैंसिलेशन। और इसमें क्या होगा, जितनी भी एनोनिमस कैंसिलेशन होगी उसमें अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है वो थ्रेड जो है उसे खुद ही रिजॉल्व करता है। थ्रेड लोकल स्टोरेज वाज 4.4.5 थ्रेड स्पेसिफिक डेटा। वो कहता है कि जी थ्रेड की जो लोकल होस्ट है ये एक वास सॉफ्टवेयर है जिसके यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया हुआ WAS और ये 4.4.5 जो है ये आपका है। मोस्ट डेटा इज शेयर्ड अमंग थ्रेड्स। वो कहता है काफी सारा डेटा जो है वो थ्रेड के थ्रू ही जो है वो शेयर किया जाता है एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग थ्रेड इन द फर्स्ट प्लेस। वो कहता है कि ये थ्रेड की फर्स्ट प्लेस है, मेजर प्लेस है, बेनिफिट्स हैं कि थ्रेड जो है वो फर्स्ट प्लेस में ही जो है वो डाटे को शेयर कर ले। हाउएवर समटाइम्स थ्रेड नीड थ्रेड स्पेसिफिक डाटा आल्सो। बास्केट ये भी होता है कि थ्रेड्स को जो है वो अपने जैसा ही थ्रेड जो है स्पेसिफिक थ्रेड चाहिए होता है ताकि डाटे को प्रॉपर तरीके से वो शेयर कर सके। मोस्ट मेजर थ्रेड लाइब्रेरीज पी थ्रेड Win32 एंड जावा। मैंने आपको इसलिए पहले बताया था कि जावा में अगर आप लोग पर्ल पे, पाइथन पे या C++ पे काम नहीं कर रहे तो जावा पे आप लोग जरूर इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि जितने भी थ्रेड्स आएंगे, स्केड्यूल्स आएंगे, प्रोसेस आएंगे, इन तमाम का कोड जो है वो हमें ज्यादातर जो है वो जावा लैंग्वेज में और पाइथन में ही मिलेगा। हो सकता है कि सी में भी मिल जाए लेकिन कोशिश करें कि आप जावा अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें और पाइथन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये जितने भी थ्रेड्स के प्रोग्राम आएंगे वो बआसानी जो है वो आप अपने इन सॉफ्टवेयर इन लैंग्वेजेस के अंदर जो है उनकी प्रैक्टिस कर सको। नोन एज द थ्रेड लोकल स्टोरेज एंड TLS। वो कहता है कि जावा हो सकती है, Win32 हो सकता है, पी थ्रेड हो सकती है, मेजर लाइब्रेरी है आपकी जो कि आपके थ्रेड को स्पेसिफिक डाटे को लोकल लेवल पे और TSL लेवल पे जो है वो लाइब्रेरीज जो मुहैया करता है ताकि आप डाटा जो है प्रॉपर तरीके से शेयर कर सके और डाटे का जो प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। नोट दैट दिस इज मोर लाइक स्टैटिक डेटा देन लोकल वेरिएबल बिकॉज इट डज नॉट केस टू एग्जिस्ट व्हेन द फंक्शन एंड। वो कहता है कि ये बेहतर है कि डाटा जो है वो स्टैटिक है, लोकल है, ताकि आप डाटा जो है प्रॉपर तरीके से एग्जिस्ट कर सके और उसका एंड लेवल तक जो है वो उसमें वर्क कर सके। स्केड्यूल एक्टिवेशन। अब है जी कि आप अपने स्केड्यूल्स को कैसे एक्टिवेट करते हो या कौन से ऐसे थ्रेड्स होते हैं जो आपके स्केड्यूल को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। मैनी इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड्स प्रोवाइड अ वर्चुअल प्रोसेस एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर थ्रेड एंड द कर्नल थ्रेड्स। वो कहता है कि काफी सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो कि वर्चुअल के हिसाब से हैं, वर्चुअलिटी के हैं, वर्चुअल प्रोसेस है। आगे चल के मैंने आपको इंशाल्लाह होप टू से कि लाइनक्स की इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। उस लाइनक्स की इंस्टॉलेशन के अंदर आप देखिएगा कि बहुत जगह पे आपको मेमोरी की स्वैपिंग, थ्रेडिंग, इस तरह की चीजें जो है कुछ कमांड्स हम उसमें करेंगे और इसी तरह फिर विंडोज के अंदर जब हम जाएंगे तो वो चीजें आपको विंडोज में नहीं मिल रही होंगी जो कि आपको लाइनक्स में आसानी जो है वो मिल रही होंगी। तो ये सारी चीजें वहां पे स्केड्यूल कैसे क्रिएट होना प्रॉपर तरीके से इसका जो है वो प्रैक्टिकली वहां पे हम लोग करेंगे। प्रोसेस इंटरफेस बिटवीन द यूजर थ्रेड एंड द कर्नल थ्रेड।
पर्टिकुलर फॉर मैनी टू मैनी एंड टू टायर्स मॉडल। वो कहता है कि इसके दो डिफरेंट मॉडल्स हैं, एक मैनी टू मैनी है और दूसरा टू टायर्स मॉडल है जो कि इस चीज को करते हैं। दिस वर्चुअल प्रोसेसर इज नोन एज लाइट वेट प्रोसेसर LWP। वो कहता है कि ये जो वर्चुअल प्रोसेसर होते हैं, मिसाल के तौर पर आप में से शायद किसी कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने वर्चुअलिटी पे काम किया हो, यानी अपने सिस्टम के ऊपर एक ही वक्त में मल्टीपल विंडोज के ऊपर काम कर रहा हो, तो उसके लिए मार्केट में दो तीन सॉफ्टवेयर आए हैं, जैसे कि आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, आपका VMware का वर्चुअल बॉक्स है, तो आप VMware है वो भी वर्चुअल है, तो आपका जो ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है वो भी वर्चुअल है। दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने एक ही सिस्टम के ऊपर मल्टीपल हार्ड डिस्क को चेंज कर सकते हो, मल्टीपल रैम्स डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल विंडोज जो है वो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली आपके वर्चुअल प्रोसेसर की या वर्चुअल मेमोरी शेयरिंग में या वर्चुअल जो आपकी हार्ड शेयरिंग में जो है वो वर्क करती है। तो वो जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो बेसिकली हमारे बड़े लाइट वेट होते हैं। आप देखिएगा कि जब आप वर्चुअल एक पीसी बनाएंगे तो वो कुछ KB का होगा, होगा क्या कि उसमें काम पूरा हो रहा होगा लेकिन वो जो पीसी बने हैं या जो उसके अंदर विंडोज है वो कुछ KBs की जो है वो आपको डिस्प्ले हो रही होंगी। देयर इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन LWP एंड कर्नल थ्रेड। वो कहता है कि ये लाइट वेट थ्रेड प्रोसेस जो है और कर्नल थ्रेड प्रोसेस है, तो ये दोनों वन टू वन आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे होते हैं। द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स अवेलेबल एंड हंस द नंबर ऑफ LWP में चेंज डायनामिकली। वो कहता है कि कर्नल जितने भी थ्रेड्स अवेलेबल है कर्नल के, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो लाइट वेट प्रोसेस के साथ जो है वो चल रहे होते हैं और उनको डायनामिकली तौर पे जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। द एप्लीकेशन यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी मैप यूजर थ्रेड ऑन टू अवेलेबल LWPS। वो कहता है कि ये जितनी भी एप्लीकेशन है ये बेसिकली किस लेवल की है, ये यूजर लेवल थ्रेड्स की है, यानी कि आप इसमें जावा इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसमें पाइथन इस्तेमाल कर रहे हो, आप C++ लेवल पे काम कर रहे हो, आप पर्ल लेवल पे काम कर रहे हो, वो सारे के सारे जब प्रोग्रामिंग बेस होंगे तो आपको पता है कि आप जो भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं वो कुछ KBs में कुछ बाइट्स के अंदर होता है, तो इसलिए वो लो लेवल प्रोसेसिंग, ये वो लो लाइट वे प्रोसेसर होते हैं, लेकिन वर्क जो है वो अपना पूरा कर रहे होते हैं। कर्नल थ्रेड्स आर स्केड्यूल ऑन टू द रियल प्रोसेसर बाय द OS। वो कहता है कि जो कर्नल थ्रेड्स हैं इसकी जितनी भी स्केड्यूलिंग है वो रियल प्रोसेसिंग होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डील कर रहा होता है। द कर्नल कम्युनिकेट टू द यूजर लेवल थ्रेड। कर्नल जो है वो कम्युनिकेट करता है यूजर लेवल पे लाइब्रेरी व्हेन सर्टेन इवेंट अकर। जैसे ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही कोई आप ये कह सकते हो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, इवेंट अकर होता है, ये फौरन ही कर्नल जो है वो अपना वर्क करना शुरू कर देता है। सच एज अ थ्रेड अबाउट अ ब्लॉक। जैसे कि एक ब्लॉक आप कोड का एग्जीक्यूट कर रहे हो, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो और वो सारे का सारा आपने थ्रेड्स के अंदर जो है वो लिख दिया। वाया अप कॉल, ये फिर एक फंक्शन आ गया विच इज हैंडल्ड इन द थ्रेड लाइब्रेरी बाय एन अप कॉल हैंडलर। ये अप कॉल हैंडलर आप जावा में और पाइथन दोनों में इस्तेमाल कर रहे हो। द अप कॉल ऑल्सो प्रोवाइड अ न्यू LWP फॉर द अप कॉल हैंडलर टू रन ऑन विच इट इज कैन यूज टू स्केड्यूल द यूजर थ्रेड दैट इज अबाउट टू बिकम ब्लॉक। वो कहता है कि इससे क्या होगा कि आप जो भी थ्रेड जो है एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आपके अप कॉल हैंडलर के जरिए ही आपको जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक की फॉर्म में है, चाहे वो आपको लाइन बाय लाइन कर रहे हैं या होल प्रोग्राम की कोडिंग में आपको डिस्कस कर रहे हैं, वो थ्रेड ने जी ही इसको करना है और ये OS ने खुद इन इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करना है। द OS विल ऑल्सो इशू अप कॉल व्हेन अ थ्रेड बिकम अनब्लॉक। जैसे ही आपका थ्रेड अनब्लॉक होगा, अगर वो ब्लॉक होता है तो अप कॉल ही इस इश्यू को रिजॉल्व करती है। सो द थ्रेड लाइब्रेरी कैन मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट। वो यही कह रहा है कि ये जितनी भी थ्रेड्स की लाइब्रेरी हैं वो खुद ही इनको एडजस्ट करती हैं, इनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करती है। इफ द कर्नल थ्रेड ब्लॉक, अगर तो कर्नल का थ्रेड ब्लॉक है, देन द LWP ब्लॉक, तो ऑटोमेटिकली लो वेट प्रोसेस ब्लॉक होंगे। विच ब्लॉक द यूजर थ्रेड, और ये कौन ब्लॉक करेगा, यूजर जो है वो अपनी आसानी के लिए इनको ब्लॉक्स करेगा थ्रू कोड। आइडली देयर शुड बी एट लीस्ट एज मैनी LWP अवेलेबल एज देयर मे बी कंकरेंटली ब्लॉक्ड कर्नल थ्रेड्स, अदरवाइज इफ ऑल LWPs आर ब्लॉक देन यूजर थ्रेड विल हैव टू वेट फॉर वन टू बिकम अवेलेबल। वो क्या कहता है कि जैसे ही वो एक आइडली तौर पे इसको ब्लॉक को कर्नल को ब्लॉक किया जाता है तो LWP लो वेट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट उन ब्लॉक्स को कवर करते हैं, जैसे वो कवर हो जाते हैं तो आपका प्रोसेस जो है वो दोबारा से उसी थ्रेड से होता हुआ एग्जीक्यूट हो जाता है।
नेक्स्ट है जी हमारा प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। बड़ी डिटेल में हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस करनी है, अभी इसका यहाँ पे हल्का सा इंट्रो है आपके पास। देर आर वेरियस एल्गोरिथम विच आर यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्केड्यूल द प्रोसेस ऑन द प्रोसेसर इन एन एफिशिएंट वे। वो कहता है कि बहुत सारे एल्गोरिथम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्केड्यूलिंग की प्रोसेसिंग को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द पर्पज ऑफ द स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, एक के आपका जो सीपीयू है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू, और सीपीयू जो है वो प्रॉपर तरीके से फेयर फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल हो, ताकि उसमें किसी किस्म का लोड जो है या किसी किस्म का कोई ज्यादती जो है आपके कोड की या आपके प्रोसेसर की वो ना हो, लाइट वेट में वो वर्क कर रहा हो, मैक्सिमम थ्रूपुट आपको जो उसकी आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, यानी कि प्रोसेसर आपका बिजी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो काम करे, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, और उसकी जो भी आप उस पर कोड लिख रहे हो या जो भी उसका टर्न अराउंड टाइम है वो मिनी से मिनिमम इस्तेमाल हो, मिनिमम वेट टाइम, इसी तरह आपका वेट होगा, प्रोसेस आपके ज्यादा होंगे, वर्किंग आप ज्यादा कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली क्यू बनेगा, जब क्यू बनेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा, जिसमें आपका सीपीयू जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वर्क कर रहा होगा, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी काम होना चाहिए। सबसे पहले है जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, पहला एल्गोरिथम है। इसमें क्या होगा, पहले आओ पहले पाओ, जो भी यानी हमारे पास थ्रेड है प्रोसेस है वो सबसे पहले आएगा, वो ऑटोमेटिकली फौरन सॉल्व होके वापस जो है वो मेमोरी में चला जाएगा। इट इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम टू इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे आसान जो सिंपल एल्गोरिथम है वो हमारा FCFS है। द प्रोसेस विद द मिनिमम अराइवल टाइम विद द गेट द सीपीयू फर्स्ट, द लेजर द अराइवल टाइम द सूनर विल द प्रोसेस गेट्स द सीपीयू, इट इज नॉन प्रीमिटिव प्रीमिटिव टाइप ऑफ द स्केड्यूलिंग। वो कहता है कि ये प्रीमिटिव स्केड्यूलिंग नहीं है, यानी एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग नहीं है, लेकिन एक एल्गोरिदम है जो कि बड़ा सिंपलेस्ट है और आपके प्रोसेस के जो है प्रॉपर्टी, नीचे एक डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम को ही नीचे जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा प्रोसेस किस किस तरह से आ रहा है, उसका अराइव टाइम क्या है, वो सॉल्व कैसे हो रहा है, उसको किस तरीके से वो जो है वो सॉल्व करके जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो तैयार कर रहा है। तो इसको आपने अच्छी तरह इस डायग्राम को भी देख लेना, नीचे जो इसकी डिटेल है इसको आप लोगों ने एक दफा जो है गो थ्रू कर लेनी है, ताकि इस डायग्राम के मुताबिक आपको प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के बारे में जो है वो प्रॉपर तरीके से पता चल सके। नेक्स्ट हमारा है जी राउंडेड रॉबिन। इन द राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम द ओएस डिफाइन अ टाइम क्वांटम स्लाइस। वो कहता है कि राउंड रॉबिन डायग्राम में क्या होता है कि हम स्लाइसेस के अंदर अपने टाइम्स को जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। ऑल द प्रोसेस विल गेट एग्जीक्यूट इन अ साइकिल वे, सारे का सारा जो प्रोसेस है वो एक साइकिल वे के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ईच ऑफ द प्रोसेस विल गेट द सीपीयू फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम कॉल्ड टाइम क्वांटम। वो कहता है कि सीपीयू क्या करता है, हर प्रोसेस के लिए बड़ा छोटा सा टाइम जो है वो लेता है, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस है उनको जो है वो हल किया जा सके, और उस प्रोसेस का जो टाइम है उसके हम क्वांटम टाइम कहते हैं। एंड देन गेट बैक टू द रेडी क्यू टू वेट फॉर इट्स नेक्स्ट टर्न, इट इज अ प्रिमिटिव टाइम ऑफ स्केड्यूलिंग। वो कहता है कि अब क्या करता है, वो वेट करता है, जैसे ही पहला प्रोसेस कवर होता है फौरन ही दूसरे प्रोसेस की तरफ वो चला जाता है और उसके लिए वो वेट करता है। इसी चीज को हम कहते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइम स्केड्यूलिंग है, यानी आपके पास प्रॉपर तरीके से स्केड्यूलिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से जो है वो उसका वर्किंग कर रहा है। एवरी प्रोसेस विल बी गिवन 2 मिनट्स इन वन टर्न बिकॉज वी मिलीसेकंड वी हैव टेक द टाइम क्वांटम टू बी 2 मिलीसेकंड, सो प्रोसेस वन विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 2 मिलीसेकंड, देन प्रोसेस टू विल बी एग्जीक्यूट फॉर 2 मिनट। दोनों प्रोसेस जो है वो आप देख रहे हैं कि मेन लेवल पे सेम लेवल पे ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों का सेम टाइम चाह रहा है 0 मिलीसेकंड 0 मिलीसेकंड, लेकिन जब ब्रस्ट टाइम होता है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो आपका P1 का 10 मिलीसेकंड है, P2 का 5 मिलीसेकंड है, P3 का 8 मिलीसेकंड है, तो इनमें ऑटोमेटिकली फर्क आ जाएगा। और क्यों, देन P3 विल बी एग्जीक्यूट फॉर 2 मिलीसेकंड अगेन प्रोसेस, then P2 and so on, the waiting time and turnaround time of the processor will be। वो कहता है कि इस डायग्राम के मुताबिक जो है प्रोसेसर क्या करता है, वेट भी करता है और अपने प्रोसेस को साथ के साथ जो है वो एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है,
और उसका टाइम जो है वॉच भी कर रहा होता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीमिटिव, थर्ड हमारा जो स्केड्यूल है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, जिसमें हम लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने स्केड्यूल को देखते हैं और ये नॉन प्रीमिटिव है। इन द FCFS वी सॉ इफ अ प्रोसेस इज हैविंग अ वेरी हाई ब्रश टाइम एंड इट टाइम देन द अदर प्रोसेस विच अ वेरी लो ब्रश टाइम हैव टू वेट फॉर इट्स टर्न। वो कहता है कि FCFS में क्या होता है कि जितने भी आपके प्रोसेस है वो बड़े हाई लेवल के ऊपर ब्रस्ट हो रहे होते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, लेकिन उसका लो लेवल भी जो है उसको भी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए या कोई थ्रेड जो है वो ब्लॉक में चला जाए या आपका थ्रेड वर्क नहीं कर रहा या प्रोसेस आपका स्टक हो गया, तो वो क्या करे, वो जल्द अज जल्द जो है वो उसको रिजोल्व करे, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, ताकि ये प्रॉब्लम जो है आपका रिमूव हो सके। वी कम विद अ न्यू अप्रोच, हम एक नए अप्रोच के साथ आए, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो SJF का एल्गोरिदम है इसको कॉल करेंगे। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या है जी, द प्रोसेस हैविंग द मिनिमम ब्रश टाइम एट द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, कि जो मिनिमम टाइम होता है उससे बढ़ के जो है उसका एग्जीक्यूट टाइम जो है वो फर्स्ट कैलकुलेट किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। इट इज अ नॉन प्रीमिटिव अप्रोच, और ये हमारी कौन सी अप्रोच है, ये नॉन प्रीमिटिव जो है वो अप्रोच है। इफ द प्रोसेस स्टार्ट इट एग्जीक्यूशन देन इट विल बी फुली एग्जीक्यूटेड एंड देन सम अदर प्रोसेस विल कम, जैसे ही एक प्रोसेस स्टार्ट होता है वो पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है वो एग्जीक्यूट होता है, देन थर्ड प्रोसेस एंड फोर्थ, यानी इस तरह से एक क्यू जो है वो बनती रहती है और प्रॉपर तरीके से जो है वो डाटा आपका जो है वर्क करता रहता है। दिस इज द प्रिमिटिव अप्रोच। अब इसी में एक नॉन प्रिमिटिव था, एक आपका प्रिमिटिव है। पीछे वाला जो हमने SJF पढ़ा वो आपका नॉन प्रिमिटिव था। अब इसी में जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रीमिटिव। दिस इज द प्रीमिटिव अप्रोच ऑफ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, कि ये सब इसका काम क्या है कि सबसे पहला जो एल्गोरिथम है उसको ही फॉलो करे। हेयर एट एवरी इंस्टेंस ऑफ टाइम द सीपीयू विल चेक फॉर सम शॉर्टेस्ट जॉब, यानी सीपीयू जो है वो छोटी सी छोटी जो जॉब है उसको चेक कर होता है। फॉर एग्जाम्पल एट टाइम 0 मिलीसेकंड वी हैव P1 एज द शॉर्टेस्ट प्रोसेस, कि सबसे कम टाइम किसका है, वो P1 का है। क्यों, उसका जो हमारे पास टाइम है वो 0 मिलीसेकंड है, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट प्रोसेस है। सो P1 एग्जीक्यूट फॉर फर्स्ट मिलीसेकंड एंड देन द सीपीयू विल चेक इफ सम अदर प्रोसेस इज शॉर्टर देन P1 और नॉट। वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब वो ये चेक करेगा कि क्या P1 से भी कम किसी का और टाइम है। अब जीरो जो है वो तो सबसे कम टाइम है, हो सकता है माइनस में किसी का टाइम हो, लेकिन ये क्या करेगा, उस टाइम को देखते हुए P1 को ही सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और चेक करेगा अगर कोई और प्रोसेस इसके इक्वल आ रहा होता है, नहीं तो P1 के ऊपर ही काम करता रहेगा। इफ देयर इज नो सच प्रोसेस, अगर तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, then P1 will keep on execute for the next 1 millisecond and if there is some process shorter P1 then the process will be execute. तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा, अगर कोई इससे कम आ रहा होता है यानी 1 millisecond तक वेट करता है, अगर कोई प्रोसेसर इसमें कम आता है शॉर्ट में आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, P1 के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देगा। दिस विल कंटिन्यू अंटिल द प्रोसेस गेट एग्जीक्यूट, और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि आपके प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर तरीके से ना हो जाए। दिस एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और इस एल्गोरिथम का जो सेकंड नेम है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRTF है, यानी कि अगर आप इसको STF कह सकते हो तो आप इसको SRTF भी कह सकते हो, शॉर्ट टर्म शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। वी शुड द प्रोसेस बेस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस, तो इस तरीके से जो है वो प्रोसेस जितना भी शॉर्टेस्ट टाइम होगा उसके मुताबिक जो है वो उसको लेके चल रहा होगा और उसमें प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहा होगा। प्रायोरिटी बेस्ड स्केड्यूल नेक्स्ट एल्गोरिथम है जी हमारे पास, कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, जो प्रायोरिटी में टॉप पे जा रहा होगा ये एल्गोरिथम जो है उसको देखते हुए काम करेगा। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग इज नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इन बैच सिस्टम। वो कहता है कि प्रायोरिटी एल्गोरिथम एंड नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स है जो कि बाद में एल्गोरिथम की जितनी भी बैच की प्रोसेसिंग है, बैच सिस्टम्स है, उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से
एग्जीक्यूट करेंगे। ईच प्रोसेस इज असाइन अ प्रायोरिटी, हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन की जाएगी। प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन, जो प्रायोरिटी में फर्स्ट होगा ये उसको एग्जीक्यूट करेगा और इसी तरह सारे प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। प्रोसेस विद सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड वन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रोसेस क्या करेंगे वही एल्गोरिदम जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले के बेसिस को देखते हुए अपनी प्रायोरिटी के ऊपर भी एग्जीक्यूट होंगे। प्रायोरिटी कैन बी डिसाइड बेस्ड ऑन मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट और एनी अदर रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। वो कहता है कि प्रायोरिटी क्या करती है, वो डिसाइड करेगी कि उसके पास मेमोरी की कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और किन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो अदर रिसोर्सेज को जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए वो जो है प्रायोरिटी करते हुए अपने थ्रेड को और अपने प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। Highest response ratio next. In this schedule algorithm, the process will wait response ratio will be scheduled next. वो कहता है कि इसमें सबसे पहले वो क्या करता है, ये चेक करता है कि हाईएस्ट रिस्पॉन्स जो है वो किसका है। दिस रिड्यूस द सिचुएशन इन द सिस्टम, और ये उस सिस्टम के अंदर जो है उस सिचुएशन को जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक करता है, चेक करने के बाद जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है जी सबको? अभी मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूं, जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो बोलेगा, बाकी स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस को सिर्फ व्यू करेंगे। मैंने अटेंडेंस शेयर कर दी है, होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो नजर आ रही होगी। जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही बोले। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई, तकरीबन मोस्ट स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है, बल्कि सबकी अब हो चुकी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होप टू से कि हमारे पास शायद लाइनक्स की इंस्टॉलेशन होगी या फिर हमारे पास जो है वो प्रोग्रामिंग होगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो उस लेक्चर में प्रेजेंट हों, ताकि आप लोगों को अगर लाइनक्स की इंस्टॉलेशन है तो भी आपको क्लियर हो जाए और वर्चुअल मशीन जो है वो कैसे बनाते हैं या वर्चुअल इन्वायरमेंट में किस तरह से काम करते हैं, वो आपको ये जो आज के थ्रेड्स या स्केजुलिंग या आगे जो प्रोसेस की हमारे आएंगे इन तमाम के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो जाए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिस कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।